हेलो एवरीवन, मैं फिर से आपके लिए रेलवे से रिलेटेड कुछ बातें बताने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई की स्ट्रेटजी और कुछ गलतियाँ ना करने को कहा था, लेकिन इस वीडियो में कुछ मैं बुरी खबर के साथ आई हूँ। एक्चुअली कुछ रेलवे वालों ने अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रेलवे के पदों को हटाया है, तो मैं उसके बारे में आज पूरी वीडियो में चर्चा करूँगी। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो पूरी देखें। तो सबसे पहले ये न्यूज़पेपर कटिंग से हम अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पेपर कटिंग में आप देख सकते हैं, भारतीय रेलवे ने बंद किए रोज़गार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे। ये यूपी के न्यूज़पेपर में, लोकल न्यूज़पेपर में छपा था। उन्होंने कहा है कि रेलवे में अब सीटें वो होगी वो जो कम हो जाएंगी। उन्होंने लिखा था इसे, रिटायरमेंट में जो खाली जो पद होते हैं, रिटायरमेंट से जो खाली, उसकी 50% सीटें कटेंगी। मतलब आप समझ सकते हैं कि सीटें कितनी घटने वाली है। मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया था कि क्यों रेलवे एग्ज़ाम आगे टफ होने वाला है, आपको स्ट्रैटेजी कैसे चेंज करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने दूसरे कटिंग में ये बताया हुआ है कि रेलवे जो है उसमें 16 जून में अपने पद को ख़त्म करेगा। आप इस कटिंग में देख सकते हैं कि 11,040 पद को हटाने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 जून में तो ऑलमोस्ट सब, 16 जून तो बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है रेलवे का। तो आप समझ सकते हैं आपके पास कितना रिक्वायरमेंट था और कितने पद ख़त्म हो रहे हैं। मतलब अब आपके पास और ज़्यादा टफ कंपटीशन होने वाला है, तो इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना। मैंने पिछली वीडियो में भी बार बार आपसे कहा था कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इधर उधर मत भागिए, और जो जो डेटा मतलब सबसे लीगल है बस उसी ऑफिशियल न्यूज़ पे जाइए, इधर उधर मत भागिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरी जो कटिंग है उसमें आपको बताया गया है कि रेलवे जो है ये रांची के साइड से, एक्चुअली ये जो कटिंग मैंने लाया है वो रांची के साइड से, इसमें इन्होंने लिखा है कि आधी नियुक्तियाँ समाप्त करेंगी। मतलब इससे सिर्फ यही पता चल रहा है आपको कि रेलवे अपना जॉब का जो क्राइटेरिया है उसको घटा रहा है, अपने मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा, एस्पिरेंट्स में आपको अब टफ कंपटीशन फेस करना है, क्योंकि आपको पता है लगभग 1 करोड़ लोगों ने, एप्लीकेंट ने फॉर्म भरा है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस की थी, तो मैं दोबारा नहीं करूँगी, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहती। लेकिन रियलिटी यही है कि आगे कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। नेक्स्ट थिंग, मैं कुछ और बातें रेलवे से बताना चाहती हूँ। एक्चुअली जो रेलवे आगे रेलवे में जॉब में क्या समस्याएं आने वाली हैं, आपका ये निजी कंपनियां चलाएंगी पैसेंजर ट्रेन, इस आप कटिंग में ध्यान से देखिए। इसमें इन्होंने कहा है कि रेलवे अब प्राइवेटाइज होने वाला है, जिससे क्या होगा, आपको पता है प्राइवेट नौकरियों में क्या होता है, ऐसा नहीं कि सैलरी की प्रॉब्लम है, इसमें आपको क्या होगी, आपको प्रॉपरली मतलब खटाया जाएगा, और मे भी आपको जितने पैसे मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे। मुझे तो आइडिया नहीं है, जस्ट बिकॉज प्राइवेट जॉब अभी रेलवे में आई नहीं है, और बाद में ये कैसी होगी मैं नहीं कह सकती। मैं बस सोच रही हूँ जैसा मैं प्राइवेट जॉब के बारे में जानती हूँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रेलवे में अब थोड़ी जॉब पानी और अच्छी जॉब पानी थोड़ी मुश्किल हो गई। तो आप अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दें। आगे की जो न्यूज़ है, मैंने इसमें ये बताना चाहा है कि 30,000 करोड़ का निवेश होगा, विदेश चलाएंगे प्राइवेट ट्रेन। इससे क्या होगा कि आप खुद समझ सकते हैं, जब आप अपने अपने यूथ का जो ट्रेन है और जो सिस्टम है वो कंट्रोल आप फॉरेन कंट्री को दे रहे हैं, तो इससे आप पे कितना बुरा इफेक्ट होगा। क्योंकि ये नहीं कि हाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, इससे अगर कोई भी चलाए यहीं के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन इससे फ़ायदा बाहर की कंट्रियों को होगा। तो इससे ये भी एक बुरी चीज़ है। और तीसरी बात तो ये है, एक मैं पेपर कटिंग ऐसी भी लाई हूँ जो हो सकती हो कि आपके रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन मैं इससे कुछ आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ देखिए कि 10% किराया अधिक वसूल सकते हैं रेलवे। एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत होगा, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि रेलवे अब क्या कर रहा है कि वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोच रहा है कि कैसे उसे प्रॉफिट मिले, पहले ऐसा नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी चेंज होनी ही चाहिए, क्योंकि अब उसे ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि जिसके पास उसे, क्योंकि उसके पास आपको भी पता है करोड़ों बच्चे हैं, अब उसमें से उसे कुछ को ही सेलेक्ट करना है। तो आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट एंड शेयर इट टू, थैंक यू।